गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था बेटा, कल हमने रीडिंग ली थी चैप्टर 8 की, द टुंड्रा रीजन। दिस इज योर चैप्टर बेटा, टुंड्रा प्रदेश के बारे में, क्षेत्र के बारे में हमने डिस्कस किया था। कल हमने इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि इसकी स्थिति कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। द टुंड्रा रीजन ऑक्यूपाई द फ्रीजर जोन ऑफ द अर्थ, उदासीन क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर सारा टाइम क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। दिस रीजन बिटवीन 66 1.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। ओके स्टूडेंट्स, इसके 3 टाइप्स थे टुंड्रा के, आर्कटिक टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा और एंटार्कटिक टुंड्रा। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने इसकी क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट होती है जलवायु, क्लाइमेट क्या होती है जलवायु, जो काफ़ी समय तक एक जैसी ही रहती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर था माइनस में था, -28 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे रीजन का एक्सपीरियंस क्या था, विंटर एंड समर। विंटर में जब गर्मी ठंड होती है तो बहुत अधिक ठंड होती है, और समर जब होता है गर्मी होती है, तब वहाँ पे मौसम सुहावना होता है। कहते हैं यहाँ पर 6 मंथ्स की गर्मी है, 6 मंथ्स की सर्दी है। जब सर्दी होती है तो बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है, और जब गर्मियों में 6 महीने का समय होता है तो मौसम ठीक हो जाता है। इन्होंने ये बताया था इस चैप्टर में कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इट एक्सपीरियंस 5 to 15 inches ऑफ द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। द डीपर पार्ट ऑफ द सॉयल रिमेन फ्रोजन इवन द समर, कहते गर्मी में भी जो मिट्टी की परत है, सॉयल होती है जो मिट्टी, वो इसी ज़मीन पर काफ़ी समय तक कैसी रहती है, ठंडी रहती है, जिसे कि परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। और मैंने कल आपको परमाफ्रॉस्ट के बारे में बताया था, जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान यानी कि 0 डिग्री से भी कम तापमान पर रहती है, इसे कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। दिस लेयर कैन बी 10 to 35 inches इन डेप्थ, इसकी गहराई 10 से 35 inches होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लोकेशन एंड क्लाइमेट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन मैंने आपको पहले क्लियर करवाया था क्या था इसकी वनस्पति, क्या था इसका वनस्पति। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर एट। तो हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 8 द टुंड्रा रीजन। क्लास आपकी 5th है, SST है, लेसन 8, यहाँ लिख देते हैं हम लेसन 8 द टुंड्रा रीजन। सब बच्चों को समझ में आ रहा है, रीजन होता है क्षेत्र, टुंड्रा मतलब टुंड्रा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं वेजिटेशन। तो पेज नंबर आपका 59 है, वेजिटेशन से रिलेटेड। वेजिटेशन का मैंने आपको मतलब बताया था वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। सब बच्चे अपने अपनी बुक्स को लें, ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, और सब बच्चे समझ के करेंगे इसको, हम क्या कहना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। द वर्ड टुंड्रा मीन्स ट्रीलेस माउंटेन। यहाँ पर इसने टुंड्रा का मीनिंग बताया है जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे। द वर्ड टुंड्रा मीन्स ट्रीलेस माउंटेन, ऐसी पहाड़ी जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। व्हाट डज टुंड्रा मीन्स, कि टुंड्रा का क्या मतलब है? आंसर इज टुंड्रा मीन्स ट्री लेस होता है जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होता, माउंटेन्स पहाड़ियाँ, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता, उसे कहते हैं टुंड्रा। ओके स्टूडेंट, समझ आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट, व्हाट डज टुंड्रा मीन्स, टुंड्रा मीन्स ट्री लेस माउंटेन्स, ट्री
Aviles Vinape. माउंटेन्स होता है पहाड़ियाँ, बिना पेड़ की पहाड़ियाँ उसे कहते हैं टुंड्रा, वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होता. दैट परमाफ्रोस्ट डज नॉट अलाउ एनी ट्री टू ग्रो हियर. मैंने आपको परमाफ्रोस्ट का मीनिंग बताया था, ऐसी धरती जहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ पे कहते हैं परमाफ्रोस्ट के कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं उगता. द परमाफ्रोस्ट डज नॉट अलाउ एनी ट्री टू ग्रो हियर. तो क्वेश्चन बनता है हु डज नॉट अलाउ, टुंड्रा प्रदेश में कौन पेड़ को उगने की अनुमति नहीं देता? द परमाफ्रोस्ट. द परमाफ्रोस्ट. सब बच्चों को क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ? तो जो हम चैप्टर रीड करते हैं, अगर उसके बारे में हमें कोई भी वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए तो हम उसको इजीली कर सकते हैं. जैसे अब आपके सामने टुंड्रा वर्ड आ गया, कि टुंड्रा का मतलब क्या है? ऐसा वर्ड है कि जहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान है कि वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता, ट्रीलेस माउंटेन होती है वो. और वो डज नॉट अलाउ एनी ट्री टू ग्रो इन टुंड्रा, टुंड्रा में प्रदेश में जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं उगता, कौन उसको मना करता है? द परमाफ्रोस्ट, जो मैंने आपको कल इसकी डेफिनेशन समझाई थी. व्हेन द स्नो मेल्ट्स ड्यूरिंग समर रिचेस मॉस एंड क्रोबेरी क्रो. कहते हैं व्हेन द स्नो मेल्ट्स, जब वहाँ पर बर्फ़ पिघलती है ड्यूरिंग समर गर्मियों में, रिचेस मॉस एंड क्रोबेरी ग्रो, वहाँ पर ये पौधे उगते हैं. तो नेम द प्लांट्स या ट्री व्हेन स्नो मेल्ट्स इन समर. जब गर्मी में वहां पे बर्फ पिघलती है तो उन प्लांट्स के नाम बताइए. लिचेंस LICHENS मॉस एंड क्रोबेरी. स्टूडेंट्स सब बच्चे ध्यान से पहले इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे. राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. सब बच्चे ध्यान से करेंगे. हम ये क्वेश्चंस रिवाइज कर ले, तब तक सब बच्चे इनको पढ़ेंगे. ऑल स्टूडेंट्स रीड दिस क्वेश्चंस और राइट केयरफुली इन योर नोटबुक. और सब बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे जितना भी हम इसको रीड करवा देंगे. व्हाट डज टुंड्रा मींस? टुंड्रा मींस ट्रीलेस माउंटेन्स. Who does not allow any tree to grow in tundra? The permafrost. Name the plants when snow melts in summer. जब गर्मी में वहाँ बर्फ पिघलती है तो वहाँ पर कौन से पौधे हो जाते हैं? उन पौधों के नाम बताने थे. Lichens, moss and crowberry.
करते हैं, ड्वार्फ विलो ट्री। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक ड्वार्फ विलो ट्री भी इसका पेड़ है जो यहाँ पर उगाया जाता है या उग जाता है। तो नेक्स्ट है आपका, सब बच्चों ने लिख लिए होंगे, अब नेक्स्ट लाइन है आपकी वेजिटेशन से रिलेटेड है, आर्कटिक फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग समर। कहते हैं यहाँ पर आर्कटिक जो फ्लावर्स हैं समर गर्मियों में ब्लूम खिलते हैं। ए ड्वार्फ विलो ट्री कैन बी सीन ग्रोइंग हियर, जो मैंने आपको अभी नाम लिखवाया है, ए ड्वार्फ होता है जो नष्ट हो चुका होता है, विलो ट्री उसका नाम है, कहते हैं यहाँ पर उगते हुए देखा जा सकता है। तो ये देखिए आपके सामने पिक्चर्स है बेटा, लिचेंस क्रोबेरी एंड ड्वार्फ विलो ट्री, ये देखिए कैसा पेड़ है जो मतलब नष्ट होने की कगार पर है। तो लिचेंस क्रोबेरी एंड ड्वार्फ विलो ट्री की ये आपकी पिक्चर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा अब हमारा, विच फ्लावर्स, विच फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग समर इन टुंड्रा रीजन। तो आंसर है आर्कटिक फ्लावर्स, आर्कटिक आर्कटिक फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which tree can be seen growing here? Which tree can be seen growing in tundra region? Answer is ऑप्शन दे रही हूँ बेटा मैं आपको, ड्वार्फ विलो ट्री या कैक्टस। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। आंसर है ड्वार्फ विलो ट्री कैन बी सीन ग्रोइंग इन टुंड्रा रीजन। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा वेजिटेशन से रिलेटेड, अब है इसका वाइल्ड लाइफ। अब क्या है इसकी वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। सब बच्चे पहले यहाँ तक उतार लीजिए, ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैकबोर्ड। ध्यान से लिखिए बेटा, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। विच फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग समर इन टुंड्रा रीजन, आर्कटिक फ्लावर्स। Which tree can be seen growing in tundra region? Dwarf willow tree. Yeah, cactus. Answer is dwarf willow tree. अब है बेटा इसका वाइल्ड लाइफ, तब तक आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए, हम चैप्टर रीड करते हैं। वाइल्ड लाइफ होता है जंगली जीवन, मिनिमम लिखा है यहाँ पे, मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम होता है सबसे कम, मिनिमम वाइल्ड लाइफ इज सीन हेयर। वाइल्ड लाइफ होता है जंगली जीवन, वाइल्ड लाइफ क्या होता है जंगली जीवन। कहते हैं
मिनिमम होता है बहुत कम, मैक्सिमम होता है ज़्यादा, मिनिमम होता है बहुत कम, मिनिमम आना चाहिए यहाँ वर्ड। वाइल्ड लाइफ इज सीन हेयर, यहाँ पर बहुत ही कम जंगली जीवन पाया जाता है। इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल, यहाँ पर इम्पॉसिबल है, असंभव है फॉर एनी फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ, किसी भी जीव जंतु के लिए टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। हेयर मतलब यहाँ, यानी कि इन्होंने बोला है कि कम से बहुत ही कम जंगली जीवन यहाँ पाया जाता है, और किसी भी जानवर के लिए या किसी भी प्रकार की जंगली जीवन के लिए यहाँ पर सर्वाइव करना, जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। सम एनिमल्स, फिर भी यहाँ पर कुछ एनिमल्स कहते पाए जाते हैं, कौन कौन से? सम एनिमल्स डैट लिव हेयर आर, कुछ जानवर यहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम देख लीजिए। दर आर पोलर बियर, वॉलरस, लेमिंग्स, रॉयल पेंगुइन्स, एल्बाट्रॉस, रेनडियर, एरमाइन, मस्क ऑस्क, आउल्स, आर्कटिक फॉक्सेस एंड सील्स। ये बेटा सारी पिक्चर्स आपको बुक में दी गई हैं, सब बच्चे ध्यान से देखिए। ऑल स्टूडेंट्स कैन सी आर्कटिक फॉक्स, वॉलरस, लेमिंग्स, रेनडियर्स, रॉयल पेंगुइन्स, एरमाइन, मस्क ऑक्स, सी। ये सारे के सारे जो जानवर हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो हैं, ये सारे के सारे टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। तो आप इसमें से 5 या 7 नाम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द वाइल्ड लाइफ या सम नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ इन टुंड्रा रीजन। ओके स्टूडेंट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ इज सीन हियर, बताएंगे आप खुद बताएंगे कि मिनिमम या मैक्सिमम कौन सी जंगली जीवन यहाँ पाया जाता है। मिनिमम आंसर क्या है? मिनिमम, मिनिमम होता है कम, क्या होता है? कम। राइट सम नेम ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड इन टुंड्रा रीजन। नाम लिखने बेटा सब बच्चे ने, जल्दी करें। बच्चों ने लिख लिया राइट सम नेम ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड इन टुंड्रा रीजन, टुंड्रा क्षेत्र में जो उनसे पाए जाते हैं उनके बारे में बताना है। 5-6 नाम आप कर सकते हैं। आंसर है पोलर बियर्स, वॉलरस, एल्बाट्रॉस, एटसेट्रा एटसेट्रा।
योजना का मीनिंग आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है और भी नाम आ सकते हैं, इसमें ऐड हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखिए। तो ये था हमारा वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस थे आपके 4 or 5 हमने रिवाइज कर लिया था, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब बच्चे स्पेलिंग्स पे ध्यान दे बेटा। विच फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग समर इन टुंड्रा रीजन? आर्कटिक फ्लावर्स। विच ट्री कैन बी सीन ग्रोइंग इन टुंड्रा रीजन? ड्वार्फ विलो ट्री या कैक्टस? आंसर है ड्वार्फ विलो ट्री। मिनिमम या मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ इज सीन हियर? कैसे जंगली जीवन यहाँ पर दिखाई देता है, कम या ज़्यादा? मिनिमम होता है कम। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट सम नेम ऑफ एनिमल्स दैट आर फाउंड इन टुंड्रा रीजन? ओलिवियर्स, वॉलरस, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्सेस, सील्स, एल्बाट्रॉस एटसेट्रा। तो ये थे एनिमल्स के नेम। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट पेज है आपका 60 पर, पोलर बियर्स। ये देखिए बेटा, पोलर बियर्स की पिक्चर देख रही है, ठंडे प्रदेशों में जो पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड 3 लाइन्स आपकी रह गई हैं। इस पैराग्राफ को फिनिश हो जाएगा ये। पोलर बियर्स हैव थिक फर टू कीप देयर बॉडी वार्म। कहते हैं पोलर बियर्स के पास थिक फर होती है जो उन्हें बॉडी को, उनकी बॉडी को गर्म रखती है। दे ऑल्सो हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन अंडर देयर स्किन दैट गिव्स देम वार्म। कहते हैं दे हैव ऑल्सो ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर। उनकी बॉडी के अंदर एक फैट लेयर भी होती है जो उनकी बॉडी को गर्म रखती है। इट इज़ कॉल्ड ब्लबर, BLUBBER, ब्लबर। इसको क्या कहा जाता है? ब्लबर कहा जाता है। दे हैव वेब्ड फीट, वेब्ड होते हैं गद्देदार पैर, उनके पाँव गद्देदार होते हैं क्योंकि उनके पंजों की तरह चौड़े चौड़े पैर होते हैं। दैट हेल्प देम टू स्विम, जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। दे हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर, और वो सर्दियों के समय हाइबरनेट हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर, सब बच्चों ने ध्यान से किया है। तो हु हैव थिक फर टू कीप देयर बॉडी वार्म, ये क्वेश्चन बनता है आपका, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैव थिक फर, हु हैव थिक फर, हु हैव थिक फर टू कीप देयर बॉडी वार्म, टू कीप देयर बॉडी वार्म। पोलर बियर्स आंसर है, पोलर बियर्स। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लबर, BLUBBER, व्हाट इज ब्लबर, ब्लबर क्या है, व्हाट इज ब्लबर। What is blubber? The thick layer of the fat under their skin in polar bear, that gives them
वार्म जो उन्हें गर्मी देती है। इट इज कॉल्ड ब्लबर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन पोलर बियर हाइबरनेट, व्हेन पोलर बियर हाइबरनेट, पोलर बियर्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यही तक रीड करेंगे, बाकी हम कल रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से लिखेंगे और रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा, वो स्कूल से आकर अपनी बुक्स अरेंज करें, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो 1 से 3 बजे के बीच में आकर स्कूल में टीचर से मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट।